आज मैं आपसे एक कच्चे केले की भुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, मात्र 15 से 20 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। अगर आपको आलू की भुजिया पसंद है तो आपको केले की भुजिया भी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के कच्चे केले ले लिए हैं। इसका छिलका हमें निकाल लेना है। इसका छिलका थोड़ा हार्ड होता है, आप चाकू की हेल्प से ये छिलके हटा दीजिए। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। इसके स्लाइसेस कट कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं, मीडियम साइज़ के स्लाइसेस हम कट करेंगे। ऐसी देखिए सारे केलों को मैं ऐसे ही कट करके निकाल लूँगी। देखिए ये मीडियम साइज़ में मैंने सारे केलों को कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो वो चलाते वक्त टूट जाता है। अब हम इसे छौंकेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसमें मैं 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच सरसों और चुटकी भर हींग डालूँगी। हींग डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं, आप लोग नहीं खाते तो मत डालिए। जैसे ये चटकने लगे इसमें हम लहसुन और मिर्ची ऐड करेंगे। ये 4-5 कलियां लहसुन की है, इसे बारीक चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्ची है और इसमें मैंने 1 प्याज भी चॉप करके डाल दिया है। इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसे अच्छे से भूनना है जब तक प्याज हल्के सॉफ्ट और हल्के सुनहरे ना हो जाएं। 2 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। इसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूंगी। ये देखिए प्याज हल्के सुनहरे होना शुरू हो गए हैं। इसमें अब मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। इन सबको भी आपस में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए इसे भूनिए और उसके बाद इसमें हम कच्चे केले जो हमने काट के रखे हैं उसे हम ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें केले ऐड कर दे रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से केलों में लग जाएं। अब बस हमें इसे अच्छे से भूनना है। 1 राउंड आप इसे ढक दीजिए 2 मिनट के लिए, 2 मिनट ढक के पकाइए। उसके बाद हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक हम ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद कुछ नहीं, बस हमें इसे ढक के पकाना है। ये आप देख रहे हैं मसाले तो अच्छे से लग गए हैं इसमें। अब बस इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, इसे मिक्स करूँगी और इसे हम फ्राई करेंगे। जैसे आलू की भुजिया बनती है एकदम वैसे ही बनता है ये, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। फॉर अ चेंज आप कभी कभार ये भी बनाया कीजिए। आलू की भुजिया तो हम बनाते ही हैं। अब देखिए बस मैं इसे ढक के पकाती रहूँगी, इसे बीच बीच में चलाते रहिए ताकि ये कढ़ाई में ना लगे। ऐसे ही हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है आलू की तरह, ये जैसे आलू एकदम सॉफ्ट होके गल जाते हैं, मैश हो जाते हैं, ये उतना सॉफ्ट नहीं होता है। लेकिन आप चम्मच से काट के देखिएगा तो ये कट जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये रेडी है। बहुत ज़्यादा नहीं गलेंगे ये। अब देखिए ये रेडी है। एकदम आखिर में मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये 1/2 चम्मच जितना चाट मसाला है। आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, इससे ये बहुत ही बढ़िया चटपटे बन जाते हैं। ये देखिए इतना फ्राई करने के बाद ये वैसे ही क्रिस्पी करारे हो गए हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला डालिएगा तो थोड़े चटपटे भी हो जाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। तो अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।